तो आज का शीर्षक है, लेंट क्या है और क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बाइबल उपवास के बारे में तो सिखाती है, लेकिन लेंट या लेंट जैसी कोई भी धर्म क्रिया बाइबल में नहीं है, कोई भी ऐसा सैक्रमेंट बाइबल में नहीं है। तो फिर लेंट क्या है और किसने शुरू किया? लेंट 40 दिन के उपवास की अवधि होती है, जिसका पालन मुख्यतः रोमन कैथलिक्स और उसमें से निकले कुछ दूसरे संप्रदाय करते हैं। ये उपवास यीशु मसीह के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए रखा जाता है, जिसने मनुष्यों के लिए अपना शरीर यानी अपना फ्लैश बलिदान दे दिया। ये 40 दिन ऐश वेडनेसडे से शुरू होकर ईस्टर संडे को खत्म होते हैं, जिसको पुनरुत्थान का इतवार या रेजरेक्शन संडे भी कहा जाता है। लेंट की शुरुआत चौथी सदी में यानी 4th सेंचुरी में हुई थी। तब लेंट के कुल 46 दिन होते थे, जिसमें संडे नहीं गिने जाते थे। लेंट का पालन करने वाले इन 40 दिनों में या तो बड़ी किफायत से खाते या फिर कुछ विशेष प्रकार का भोजन जो उनका प्रिय होता है बिल्कुल नहीं खाते, जैसे कि मांसाहारी भोजन अर्थात नॉन वेजिटेरियन। वे किसी भी प्रकार का मांस, मछली या अंडा इत्यादि भी नहीं खाते। कुछ लोग इन 40 दिनों के लिए अपनी कुछ आदतों से भी उपवास ले लेते हैं, जैसे कि सिगरेट पीना, शराब पीना, टीवी देखना, झूठ बोलना, अश्लील तस्वीरें या फिल्म देखना, पोर्नोग्राफी इत्यादि। रोमन कैथलिक्स लेंट को एक प्रायश्चित के रूप में देखते हैं, पेनिटेंस। उनका विश्वास है कि इस तरह के आत्मसंयम और अनुशासन से वे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। उनका यह विश्वास पुराने नियम पर आधारित है, जिसमें प्रायश्चित के प्रदर्शन के रूप में टाट यानी सैकक्लॉथ पहनकर उपवास रखा जाता था, जैसे यिर्मयाह 6:26, भजन संहिता 35:13 और एस्तर 4:4 इत्यादि में लिखा हुआ है। यीशु मसीह की मृत्यु के 300 साल बाद स्थापित किए गए इस रोमन कैथोलिक धर्म के शुरुआत के सालों में लेंट के नियम बहुत ही कड़े थे। तब के उनके नियम के हिसाब से कोई भी रोमन कैथोलिक साल भर के किसी भी बुधवार, शुक्रवार और इतवार को मांस नहीं खा सकता था। आगे जाकर इस नियम को नर्म किया गया, थोड़ा रिलैक्स्ड किया गया और केवल ऐश वेंसडे और साल के सभी शुक्रवार को अर्थात ऑल फ्राइडेज ऑफ द ईयर को ही मांस खाना निषेध किया गया। साल के बाकी सभी बुधवार और सभी शनिवार को मांस खाने की अनुमति दे दी गई। लेकिन और आगे जाके 1966 में अमेरिका के कुछ कैथोलिक बिशप्स ने मिलकर पोप पॉल छठवे के आशीर्वाद से लेंट के नियम को और भी नर्म कर दिया, यानी कि और भी रिलैक्स कर दिया। अब केवल ऐश वेंसडे, गुड फ्राइडे और केवल लेंट वाले शुक्रवारों को ही मांस खाने से परहेज करना पड़ता है, बाकी किसी भी दिन मांस खा सकते हैं। तो दूसरी ओर कुछ लोग इन दिनों में गर्म खून वाला मांस तो नहीं खाते, लेकिन मछली और अंडा खा लेते हैं। तो अब देखा जाए तो कुल मिलाकर लेंट में मांस ना खाने का नियम विश्व भर के रोमन कैथलिक्स में समान नहीं है, और ना ही कोई आज निश्चित रूप से यह बता सकता है कि लेंट का वास्तविक नियम क्या है, जिसका कि हर रोमन कैथोलिक को पालन करना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। हालांकि यह लेंट में मांस ना खाने का नियम अब भी बहुत ही नरम है, लेकिन फिर भी कुछ रोमन कैथोलिक्स अपने लिए इस नियम को और कड़ा बना लेते हैं अपनी इच्छा से। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग पूरे साल किसी भी फ्राइडे को मांस नहीं खाते। फ्राइडेज को मांस ना खाने का कारण यह है कि फ्राइडे अर्थात शुक्रवार को ही यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना शरीर दिया था, ये कारण है कि वो फ्राइडे को मांस नहीं खाते। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने अपना मांस अर्थात फ्लैश दिया था उनके हिसाब से, इसलिए यीशु से अपने संबंध को गहरा बनाने के लिए रोमन कैथलिक्स मांस को हाथ नहीं लगाते। अब फ्राइडेज को तो वो कड़ा कर लेते हैं और अपने लिए नियम। सदियों से चले आ रहे लेंट की इस प्रथा ने अब एक धर्म क्रिया यानी सैक्रमेंट का रूप ले लिया है। कैथलिक्स का विश्वास है कि लेंट के दौरान कुछ विशेष प्रकार का भोजन जैसे मांस, मच्छी इत्यादि, इनसे परहेज करने से या कुछ बुरी आदतों का त्याग करने से
परमेश्वर की आशीषें पाई जा सकती है, ऐसा उनका विश्वास है। पर बाइबल क्या सिखाती है इस विषय में? बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर का अनुग्रह किसी भी तरह से कमाया नहीं जा सकता, वो तो एक दान है अर्थात गिफ्ट, और उसे हमें दान की तरह ही स्वीकार करना होगा। दूसरे अर्थों में उद्धार यानी सैल्वेशन, पापों से क्षमा, ये कमाया नहीं जा सकता, ये तो केवल विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकता है, जैसा इफिसियों के 2:8 में लिखा है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कर्म मतलब क्या? फास्टिंग अब करते हैं, उपवास, तो कभी कभी लोग उसको कर्म की तरह करते हैं, ये एक अच्छा कर्म है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो ये आयतें बताती हैं कि उससे कोई घमंड ना करे कि मैं फास्टिंग कर रहा हूं तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, मुझे आशीषित करेगा, क्योंकि तुम्हारा जो उद्धार हुआ है वो अनुग्रह से हुआ है, वो एक दान है, वो कमाया नहीं जा सकता। बाइबल बहुत स्पष्ट है इस बारे में। रोमियो का 5:7 कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, कौन एक मनुष्य? आदम, जिसके द्वारा मृत्यु आई, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, कौन? मसीही लोग जो अनुग्रह प्राप्त करते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो यहां पर क्या बता रहा पौलुस? वो कह रहा है कि आदम से मृत्यु आई, लेकिन यीशु मसीह से क्या आया? अनुग्रह और अनंत काल का जीवन। तो वो कैसे मिला? दान से मिला, गिफ्ट, उसे कमाया नहीं जा सकता। बार बार बाइबल यही बात सिखाती है, लेकिन साथ साथ वो ये भी सिखाती है कि ये अनुग्रह, ये दान उसी को मिलता है जो अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलने को तैयार हो जाता है, उसी को मिलता है ये अनुग्रह। परमेश्वर क्या चाहता है? वो केवल हमारा मन चाहता है, हमारा हृदय। वो नहीं चाहता कि हम किसी भी रूप से अपने शरीर को कष्ट दें उसे प्रसन्न करने के लिए। उपवास इसलिए किया जाता है ताकि आप परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसके ज्यादा करीब पहुंच सकें, ना कि अपने शरीर को भूखा रखकर यातना दें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होकर हमें आशीषें दे। शरीर को यातना देने वाला काम तो विश्व के कई बड़े धर्म करते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों को आपने देखा होगा घुटनों के बल पर चलकर या सीढ़ियां चढ़कर अपने देवी देवता के पूजा स्थल पर जाते हैं, अपने शरीर को चाबुक से मारते हैं कुछ लोग इत्यादि। पुराने नियम में बाल देवता, उनके जो झूठे नबी थे, वो भी अपने शरीर को छुरियों और बर्छियों से यहां वहां काटकर लहू बहाते थे अपने देवता बाल को प्रसन्न करने के लिए, जैसा पहला राजा 18:28 में लिखा हुआ है। इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि वो अपने शरीर को भूखा रखकर परमेश्वर से अपने मन की इच्छाएं पूरी करवा लेगा तो वो गलत सोचता है बाइबल के आधार पर। मती 6:16-18 में यीशु ने समझाया कि जब भी तुम उपवास करो तो बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अर्थात सार्वजनिक तौर पर यानी पब्लिकली किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने उपवास रखा हुआ है, नहीं तो वो ढोंग हो जाएगा, जैसे कपटी फरीसी करा करते थे यीशु के समय में लोगों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए। दूसरे शब्दों में उपवास तो गुप्त होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई किसी नियमबद्धता यानी लॉ या डिसिप्लिन उसकी वजह से उपवास रख रहा है या मांस मच्छी खाने से परहेज कर रहा है, तब तो उपवास का अर्थ ही खत्म हो जाता है। क्या परमेश्वर मांस खाने को बुरा समझता है? बिल्कुल नहीं। नूह के समय में जो प्रलय आई थी पृथ्वी पर, उसके बाद संभवतः सारा सागपात नष्ट हो गया था, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को भोजन की पूर्ति करने के लिए मांस खाने की अनुमति दी, जैसा उत्पत्ति 9:3 में लिखा है। स्वयं यीशु मांस और मछली खाता था, जैसे बाइबल सिखाती है। अपने पकड़वाए जाने से एक दिन पहले अर्थात फसह के पर्व पर यीशु ने अपने शिष्यों के साथ फसह का मेमना खाया था। बाइबल कभी नहीं कहती कि आप मांस मच्छी का परहेज करके परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, बल्कि बाइबल तो सिखाती है पहले तुम्हें 4:4 में कुछ झूठे कपटी मनुष्य लोगों को भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, आने वाले समय के बारे में लिखा था, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा है, किसको? उस भोजन को, कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। मतलब यह कि हर वो चीज जो परमेश्वर ने मनुष्य के भोजन के लिए बनाई है वो अच्छी है, और उसे सत्य के पहचानने वाले
धन्यवाद के साथ खाते हैं। अर्थात वे लोग जिन्होंने यीशु के सुसमाचार का सही अर्थ समझकर उस पर विश्वास किया, वे मांस और मछली को भी धन्यवाद के साथ खाते हैं किसी भी समय, क्योंकि खाने पीने के परहेज से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, बल्कि यीशु के बलिदान से मिलने वाले पापों की क्षमा पर विश्वास करने पर परमेश्वर प्रसन्न होता है। फ्राइडे को मांस खाना या ना खाना दोनों ही आत्मिक मुद्दा नहीं है। कुछ विशेष धार्मिक दिनों में मांस ना खाने का कोई भी अर्थ नहीं है, जब आप बाकी दिनों में आराम से मांस खा सकते हो तो, क्योंकि परमेश्वर के लिए तो सब दिन बराबर है। उसके लिए वेंसडे या फ्राइडे या कोई भी तारीख नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर तो समय से बाहर है। अगर कोई कहता है कि मांस मेरा प्रिय भोजन है, इसलिए मैं लेंट के दिनों में प्रभु के लिए उसका त्याग करता हूं जैसा हमारा धर्म सिखाता है, तो मेरा सवाल यह होगा कि अगर कोई शाकाहारी है, वेजिटेरियन, तो वो किसका त्याग करेगा लेंट का पालन करने के लिए अपने धर्म के आधार पर? क्या रोमन कैथोलिक्स में शाकाहारियों के लिए भी कोई नियम है लेंट का? फ्राइडे को मांस मच्छी ना खाना रोमन कैथोलिक चर्च का बनाया हुआ रीति रिवाज है, बाइबल का नहीं। लेंट का कोई आत्मिक मूल्य नहीं है और ना ही लेंट का पालन करने से कोई यीशु मसीह के निकट पहुंचता है। यह सब मनुष्य की सोच है, जैसा दूसरे धर्मों में भी होता है। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। यीशु ने कहा मरकुस 7:18-20 में, क्या तुम नहीं जानते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती? यानी कि अगर हम कुछ खाते हैं उससे हम अशुद्ध नहीं होते, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। किसने? यीशु ने, जो यह आयत बताती है। सब भोजन वस्तुएं शुद्ध है हर समय, उससे कोई अशुद्ध नहीं होता। फिर उसने कहा, यानी यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अंदर से जो निकल रहा है, बुरे विचार, अर्थात किसी भी प्रकार का भोजन मनुष्य को कभी अशुद्ध नहीं करता, बल्कि उसके मन के बुरे विचार वही उसे अशुद्ध करते हैं। बाइबल सिखाती है कि उपवास तो इसलिए किया जाता है ताकि आप खाने पीने की वस्तुओं से अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित कर सके, और यह तभी हो सकता है जब परमेश्वर के साथ आपका एक व्यक्तिगत रिश्ता हो, यानी एक पर्सनल रिलेशनशिप, जो सिर्फ यीशु मसीह के लहू से मिलने वाले उद्धार पर विश्वास करने मात्र से मिलता है, ना कि लेंट जैसे किसी रीति रिवाज का पालन करने से। बाइबल सिखाती है कि जब तक आप अपने पापों से मन फिराकर यीशु से क्षमा नहीं मांग लेते और यीशु के बलिदान पर विश्वास करके उसे अपना एकमात्र प्रभु और परमेश्वर स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक यीशु से आपका कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं बन सकता, क्योंकि आपके पाप बीच में आ जाते हैं आपके और यीशु मसीह के। उनको अभी क्षमा नहीं मिली है, आपका उद्धार नहीं हुआ है, तो रिश्ता बन नहीं सकता है। और जब तक आपका यीशु से रिश्ता नहीं है, तब तक किसी भी प्रकार का उपवास केवल एक शारीरिक यातना होगी और कुछ नहीं। ऐसे उपवास से किसी को कोई आत्मिक लाभ नहीं होता। पहले आपको परमेश्वर को जानना होगा, उससे एक व्यक्तिगत संबंध बनाना होगा, फिर आप उपवास का सही अर्थ समझेंगे, तब आपको उपवास लाभकारी होगा। खाने का परहेज और उपवास में फर्क है। बाइबल उपवास के बारे में तो सिखाती है, लेकिन किसी भी प्रकार के खाने के परहेज के बारे में नहीं। यीशु भी उपवास रखता था, लेकिन परहेज नहीं। एक मसीही के लिए उपवास बहुत लाभदायक होता है। वो अगर चाहे तो यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए भी उपवास रख सकता है, लेकिन फिर वो तो साल में कभी भी रख सकता है, केवल लेंट के 40 दिन ही क्यों? कभी कभी कोई कैथलिक यह भी कहता है कि हम तो 40 दिन का लेंट रखते हैं क्योंकि यीशु ने भी 40 दिन का उपवास रखा था। लेकिन यह तर्क बाइबल पर आधारित नहीं है, क्योंकि यीशु ने कोई मांस मच्छी का परहेज नहीं किया था उन 40 दिनों में, बल्कि उसने तो पूर्ण उपवास रखा था, पूरा भूखा रहा था, और 40 दिनों के बाद वो बहुत भूखा हो गया था, जैसे बाइबल सिखाती है। आज अगर कोई मसीही 40 दिन के लेंट का पालन करना चाहता है तो ये उसकी इच्छा है और वो कर सकता है। बस उसे इतना ध्यान रखना है कि बाइबल में ऐसा कोई नियम नहीं है। उसके दिल में ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं 40 दिन का लेंट रखूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। साथ में वो ये भी ध्यान रखे
कि वह बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर उपवास रखे, ना कि रोमन कैथोलिक चर्च या उससे निकले दूसरे संप्रदायों के नियमों के आधार पर। उसे उपवास किसी नियम की वजह से नहीं रखना है, बल्कि अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए उपवास रखना है। याद रखिए, उपवास किसी को यीशु मसीह के करीब ले जा सकता है, लेकिन उपवास से किसी का उद्धार नहीं होता। उद्धार तो केवल यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने से ही होता है। आमीन।